आज हमारा सफर पहुंच गया है सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। खुशियों का ये शहर 1911 तक ब्रिटिश इंडिया की राजधानी थी। चौरंगी लेन हो या हो हावड़ा ब्रिज, येलो टैक्सी हो या ट्राम, जहां भी नजर जाती है ब्रिटेन और आर्मेनिया जैसे देशों की छाप नजर आती है। लेकिन जिस संस्कृति की खुशबू कोलकाता की हवाओं में घुल गई है वो आई थी चाइना से। जब चाइनीज खाने में भारत के मसालों का तड़का लगा तो जन्मी इंडो चाइनीज क्विजीन, जिसने हमें दिए चिली चिकन, चिकन मंचूरियन, चाउमीन और वो बेहद तीखा सेजवान सॉस। पता है इनमें से कई डिशेस सिर्फ और सिर्फ भारत में ही मिलती हैं। वैसे इसका इतिहास भी काफी दिलचस्प है। कहते हैं इसे 18वीं शताब्दी के अंत में भारत आए हाका चाइनीज ट्रेडर्स लाए थे, और देखते ही देखते ये क्विजीन दोनों देशों की संस्कृतियों के बीच एक मजबूत कड़ी बन गई। अगर दिन की शुरुआत चाइनीज ब्रेकफास्ट से करनी है तो कोलकाता के ओल्ड चाइना टाउन में तिरत्ती बाजार से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। और अगर 200 साल पुराने रेस्टोरेंट्स में बैठकर इंडो चाइनीज खाने का मजा लेना है तो पहुंच जाइए टैंगड़ा के चाइना टाउन में। यहाँ के चाइनीज रेस्टोरेंट्स आज भी चाइना से आए लोगों की पीढ़ियां संभालती हैं। अब आपको ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो सालों से यहाँ इंडो चाइनीज रेस्टोरेंट चला रहे हैं। ये हैं जोनाथन यू। I was born and brought up here in Tangra, Chinatown. I'm the fourth generation Chinese living here in Calcutta. So we started with a small food joint. We only focused on Chinese customer that time. Then later Indian customer walked in, but they didn't like our food. So later we thought of introducing something more spicier. भारतीयों की जबान के लिए ट्रेडिशनल चाइनीज खाना थोड़ा फीका था। फिर क्या था? चिकन को किया गया फ्राई, उसमें डाले गए अदरक, लहसुन, मिर्च जैसे तेज मसाले, और इजाद हुआ चिली चिकन। कमाल का देश है भारत, ना सिर्फ परंपराओं को अपनाता है बल्कि जिस भी चीज से नाता जोड़ लेता है उसे और भी खास बना देता है।